This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? ओके ग्रेट, क्या हाल है? खैरियत से आप सब? वंडरफुल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। श्योर, आई एम ग्रेट, परफेक्टली फाइन बेटा, आई एम गुड, आई एम गुड। आप सुनाए, हाउ आर द थिंग्स मूविंग? कैसी जा रही है तैयारियां? ग्रेट, रिजल्ट कब आ रहा है आप लोगों का? व्हेन इज योर रिजल्ट एक्सपेक्टेड? आई गेस समवेयर इन मिड ऑफ नवंबर, एग्जैक्टली 13th ऑफ नवंबर। ग्रेट, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक विद द रिजल्ट, होपफुली यू विल डू समथिंग गुड। Exactly, you shouldn't be then, definitely. Okay, चलें इसको देखते हैं। ये स्ट्रक्चर पे टोल्ड ऑन व्हाट्सएप, स्ट्रक्चर पे डिबेट करते हैं थोड़ी सी। ये आपकी ग्रिड का पार्ट बी है और पार्ट बी का ये पहला चैप्टर है, ठीक है? स्टडी ग्रिड का, दिस इज योर पार्ट बी एंड दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट बी विच टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें तीन एरियाज हैं इम्पॉर्टेंट, रादर फाइव एरियाज हैं, और आउट ऑफ दिस फाइव एरियाज फोर हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन। एक एरिया जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ वो ये पहला एरिया है, टाइप्स, नेचर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस एरिया हैज नॉट येट बीन टेस्टेड, बाकी एरियाज एग्जाम में काफी थॉरली टेस्ट कर चुका है एग्जामिनर। सो पहला जो पार्ट है उसमें यू विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, नॉट फॉर प्रॉफिट। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट में आगे फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, कुछ एनजीओ होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न नहीं करते बट दे आर पार्ट ऑफ स्टेट। उसके बाद फिर स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, क्या किरदार अदा करते हैं, इनका रोल क्या होता है बिजनेस के अंदर, हाउ बिजनेसेस आर अफेक्टेड बाय स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। इसमें फिर एक बड़ा मशहूर मॉडल भी है मेंडलो का, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, स्टेक होल्डर की पावर और उसके इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आपके डिसीजंस पे क्या आता है, सो दैट इज व्हाट्स इन इट। देन इसके बाद जो तीसरा एरिया है इसमें, इसके ऊपर फिर आप डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की टाइप्स को, वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कुछ कुछ स्ट्रक्चर फंक्शनल होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरियल होते हैं, कुछ इंडिविजुअल होते हैं, कुछ मैट्रिक्स होते हैं। सो वेरियस टाइप्स के ऊपर डिबेट होगी यहाँ पे इसमें। फिर यू वुड सी दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देयर एक्टिविटीज एंड देयर डिपार्टमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस नंबर वन, एंड डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपका बिजनेस किस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, एंड सेकेंडली आपका जो बिजनेस है उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कितने मल्टीपल कंट्रीज में या मल्टीपल सिटीज में ऑपरेट कर रहे हैं। चौथा एरिया इसमें फिर डिस्कस करेगा रिलेशनशिप्स को, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ये जो ब्रॉडर अम्ब्रेला है इस पार्ट की वो है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के अंदर तीन चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर, चेंज एंड कल्चर। लाइक इससे पहले पहले आपने एनवायरनमेंट को डिस्कस किया है ना, सो फार यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स दैट यू आर लाइक स्टैंडिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द की फैक्टर्स दैट प्ले अ पिवोटल रोल टुवर्ड्स influences towards organization। वो कौन से factors हैं जो कि एक इदारे को influence कर सकते हैं। Broadly speaking, macro environment आ जाती है इसमें, Pestel का model, political, economical, socio-demographic, technological, ecological। फिर इसमें industry level पे भी बात की, 546 model देखा industry के level के ऊपर।
सो सो फार जो एनवायरनमेंट में जो बातें होती हैं सारी, यू आर एक्चुअली आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ यू आर एंटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन. अब आप एक इदारे में दाखिल हो रहे हैं, और अब आप एक इदारे में दाखिल हो के अब आप उसके इंटरनल प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करने की जो है वो अब यू आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरनल प्रोसेसेस. तो इंटरनल प्रोसेसेस के तीन पिलर्स हैं, स्ट्रक्चर, चेंज एंड कल्चर. किस तरह एक इदारा अपने आप को स्ट्रक्चर करता है, उसकी स्ट्रक्चर की ऑप्शंस का क्या होती है, देन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज चेंज, चेंज कैसे मैनेज करता है एक इदारा, और फिर कल्चर उसका बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का, उसका कल्चर. ठीक है, सो दीज आर द की फैक्टर्स. सो इसमें जो पहला फैक्टर है वो है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर को आगे फर्दर हम वेरियस फाइव एरियाज में डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स एंड कॉन्टिंजेंसी थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इन द वेरी बिगनिंग, द यू नो वेरी बिगनिंग यू माइट हैव डिस्कस्ड के जिस तरह वो कोई देर इज नो बेस्ट वे ऑफ मैनेजमेंट ना, कोई एक बेस्ट तरीका नहीं होता मैनेजमेंट का, कॉन्टिंजेंसी थियरी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर. लाइक द बेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कौन सी होगी. सेम अप्लाइज टू स्ट्रक्चर एज वेल, दैट देर इज नो बेस्ट स्ट्रक्चर, देर इज नो बेस्ट वे टू स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन. एक इदारे को स्ट्रक्चर करने का कोई बेस्ट तरीका नहीं होता. इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस कि आप किस किस्म का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे. एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल इसी चैप्टर में आगे आपका एक टॉपिक आएगा बर्न एंड स्टॉकर का. बर्न एंड स्टॉकर के मुताबिक एनवायरमेंट अगर स्टेबल है तो आप मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर ऑप्ट करते हैं, अगर एनवायरनमेंट डायनामिक है तो फिर आप ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑप्ट करते हैं. सिमिलरली इसमें एक और मॉडल भी है हेनरी मिंट्सबर्ग की, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फिगरेशंस. तो हेनरी मिंट्सबर्ग कहता है कि एक इदारा अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक कन्फिगर करता है अपनी एनवायरनमेंट को. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट यू हैव टू कन्फिगर अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद दैट एनवायरनमेंट. सो दीज आर सम ऑफ, तो ये बर्ड्स आई व्यू था, दैट वाज अ क्विक बर्ड्स आई व्यू. What topics are there in this chapter and how these topics are going to contribute towards your examination. एक एक important चीज इसमें ये है कि ये chapter important है. Part B जो आपकी grid का है वो paper में कुछ 20% contribute करता है. तो 20% में से आप समझ लें कोई तकरीबन more than 60% marks इस chapter में से होते हैं. Remaining 40% कहीं change या culture में से आते हैं. So that is how this chapter is important. इस chapter के learning outcomes क्या-क्या हैं? You will be able to characteristics of good structure and what are the consequences of deficient structure. You will be able to understand the difference between mechanistic and organic structure, and you will be able to understand that how different organizational configurations play an important role towards decision making. मतलब जो आपने best possible decision लेना है structuring का, ये किस किन किन factors पे depend करता है. Those factors are very important. Those factors are highly important. ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स एंड नेचर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ब्रॉड कैटेगरीज दो हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. लाइक दुनिया में हम ऑर्गेनाइजेशंस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. वन दोज आर प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस एंटिटीज, एंड वन दोज आर नॉट फॉर प्रॉफिट. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कमर्शियल एंटिटीज जिनका प्राइम पर्पस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी होता है. ऑब्वियसली नॉट फॉर प्रॉफिट भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, ऐसा नहीं है कि दे डोंट अर्न प्रॉफिट. हाँ, बट देयर प्रॉफिट इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिविडेंड्स और रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स. वो प्रॉफिट्स जो होते हैं उनको वो री इन्वेस्ट कर देते हैं उसकी फर्दर सस्टेनेबिलिटी के लिए या उस वेंचर को ग्रो करवाने के लिए. मतलब इफ लाइक यू टॉक अबाउट शौकत खानम हॉस्पिटल, तो शौकत खानम जो है दैट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, बट इट डजंट मीन दैट दे डोंट मेक प्रॉफिट, दे मेक हेल ऑफ प्रॉफिट्स. लेकिन जितने वो प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं वो प्रॉफिट्स जो है वो री इन्वेस्ट कर देते हैं उसी को फर्दर डेवलप करने के लिए, या वो प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर देते हैं टू सर्व सम ऑफ द नीडी पीपल. ठीक है ना, तो प्रॉफिट्स आर देयर, प्रॉफिट्स आर जनरेटेड, बट दोज प्रॉफिट्स आर यू नो री इन्वेस्टेड फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी को बेहतर करने के लिए. अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज की भी आगे फर्दर दो किस्में होती हैं, एक एनजीओ होती हैं और एक गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं. एनजीओ जो है दे आर नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस.
जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल जो है एसकेएच, ये एक एनजीओ है, दैट माइट बी एन एनजीओ, ये नॉन गवर्नमेंट है ना, प्राइवेट एंटिटी है। इसी तरह सहारा फॉर लाइफ है, ये भी एक एनजीओ है। ठीक है, एनजीओ जो होती हैं ये नॉन गवर्नमेंट होती हैं, और कुछ जो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज हैं लाइक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, मेजरली उनका कंसर्न ही नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, दे आर देयर टू सर्व द सोसाइटी। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें एनजीओ आती हैं, जैसे चैरिटीज आ जाते हैं, क्लब्स आ जाते हैं, सोसाइटीज आ जाती हैं। तो वी हैव टू ब्रॉड कैटेगरीज, नंबर वन बिजनेस, नंबर टू नॉन बिजनेस। एंड अंडर नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस वी हैव फर्दर टू कैटेगरीज, एनजीओस। जी ये सेम है बेटा, हाँ एनपीओ एनजीओ, हाँ ये सेम। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट। ओके, हाउ ऑर्गेनाइजेशन डिफर, इदारे कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से, वट आर द की फैक्टर्स ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन डिफर, किन यानी क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, किन फीचर्स की बुनियाद पे हम ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। द वेरी फर्स्ट फीचर ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन डिफर आर देयर पर्पस। इनफैक्ट दिस इज द की थिंग जो डिटर्मिन करता है कि आप प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट है। पर्पस वेरी करता है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट का पर्पस क्या होता है, टू सर्व द सोसाइटी, और प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस का पर्पस क्या होता है, टू जनरेट रिटर्न्स, टू मेक प्रॉफिट्स। तो पहला तो पर्पस होता है, आप जैसे गवर्नमेंट एंटिटीज का पर्पस जो है वो डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हेल्थ, एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल, इनका पर्पस प्रॉफिट नहीं होता, इनका पर्पस सोसाइटी को सस्टेन करना होता है, दे हैव टू सस्टेन द सोसाइटी एंड ऑब्वियसली द पीपल लिविंग इन दैट सोसाइटी। ओनरशिप, ओनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप है, शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोऑपरेटिव्स हैं। कोऑपरेटिव्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, कोऑपरेटिव्स के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ओन करते हैं कोऑपरेटिव्स। फिर फंडिंग सोर्सेज, पैसा कहाँ से आ रहा है, अगर एनजीओ है तो उसकी मेन फंडिंग सोर्सेज चैरिटीज होती हैं, डोनेशंस होती हैं। अगर एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है तो उसकी मेन फंडिंग जो है वो उसके रिटर्न्स होते हैं, उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स उसकी मेन फंडिंग होती है। अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो उसकी फंडिंग है, शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं उसमें। तो फंडिंग जो है ये वेरी करती है, अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी है तो गवर्नमेंट के फंड से वो चलती है, गवर्नमेंट उसे ग्रांट्स देती है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिक्सचर ऑफ फंडिंग सोर्सेज, मुख्तलिफ इदारे जो होते हैं उनकी फंडिंग सोर्सेज भी मुख्तलिफ होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज अकाउंटेबिलिटी, होम यू आर अकाउंटेबल, आप किसको जवाबदेह हैं, आपकी जवाब तलबी कौन करेगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ है। तो अकाउंटेबिलिटी जो होती है नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो दे आर अकाउंटेबल टू द डायरेक्टर एंड द ओनर्स, अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो दे आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स, अगर एक गवर्नमेंट एंटिटी है तो दे आर अकाउंटेबल टू द सोसाइटी, द पब्लिक, जनरल पब्लिक, यू सी। तो अकाउंटेबिलिटी जो होती है ये भी वेरी करती है फ्रॉम फर्म टू फर्म। रिटेन्ड प्रॉफिट्स का किसका सोर्स होता है, प्राइवेट एंटिटीज का ना, बिजनेस ओरिएंटेड एंटिटीज का। बिजनेस ओरिएंटेड बिजनेस जो एंटिटीज हैं वो अपने रिटेन्ड प्रॉफिट से अपने आप को फंड करती हैं ना, खुद अर्न करती हैं और खुद फंडिंग करती हैं। अगर रिटेन्ड प्रॉफिट कम है, अगर रिटेन्ड अर्निंग कम है, तो फिर अगली सोर्स ऑफ फंडिंग क्या हो सकती है, दैट कैन बी शेयर होल्डर्स इक्विटी, आप शेयर्स इशू कर दें मार्केट में, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, आप शेयर्स निकाल दें। तो डिफरेंट फंडिंग सोर्सेज आप जनरेट कर सकते हैं, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन एग्जैक्टली। अब बिकॉज ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है तो इसकी जो ज्यादा फंडिंग है वो डोनेशन पे चलती है, ज़कात पे चलती है। एग्जैक्टली, तो इट डिपेंड्स कि आपकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपकी ओनरशिप क्या है। फंडिंग और अकाउंटेबिलिटी डिपेंड करते हैं पर्पस के ऊपर, रिमेंबर दैट। आपकी अकाउंटेबिलिटी और आपकी जो फंडिंग है दैट दैट मेजरली डिपेंड्स ऑन योर पर्पस एंड द ओनरशिप, क्योंकि जो फंड कर रहा होगा मेनली आपकी अकाउंटेबिलिटी उसकी उसी की तरफ होगी ना, बिकॉज पीपल पे टैक्सेस, लोग टैक्स पे करते हैं, जनरल पब्लिक टैक्स पे करती है, उनके टैक्स मनी से सरकारी महकमे चलते हैं, तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो पब्लिक को होती है, दे आर अकाउंटेबल टू पब्लिक। ओके, एक और एक बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है इदारे की, एंड दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कहते हैं मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें कुछ लोग मिलके कलेक्टिवली एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं, और उस कोऑपरेटिव के अंदर फिर वो शेयर्ड बेनिफिट्स जो है वो अचीव करते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स होती हैं कोऑपरेटिव की, फॉर एग्जांपल लाइक देयर इज अ रिटेल कोऑपरेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल एक
लाहौर में एक मार्केट है इधर साइकिल्स की बाइसिकल्स की, अनारकली बाजार के पास नीला गुंबद में। अब वहां पे बहुत सारे बाइसिकल ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जो ये बाइसिकल्स में ट्रेडिंग करते हैं। अब अगर वो एक कॉपरेटिव बना लें अपना, फॉर एग्जाम्पल दे डिसाइड टू परचेज कलेक्टिवली, दे डिसाइड टू हैव देयर कलेक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस, तो फिर उसका फायदा सबको पहुंचेगा ना। जब आप बल्क बाय करेंगे तो उसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी तरह इस एक और इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स कोऑपरेटिव होते हैं। तो वो तीन चार फार्मर्स मिलके एक ट्रैक्टर परचेज कर लेते हैं, एक कोऑपरेटिव बनाते हैं, उस कोऑपरेटिव के प्लेटफॉर्म से परचेज अ ट्रैक्टर, और फिर वो सारे फार्मर्स उस ट्रैक्टर का फायदा उठाते हैं। इसे कहते हैं फार्मर कोऑपरेटिव। इसी तरह एक होता है आपका रिटेल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, मतलब किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग मिलके कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करके एक रिटेल आउटलेट ओपन करते हैं, फिर सारे लोग वहीं से परचेज करते हैं, वहीं से बाय करते हैं, और अल्टीमेटली फिर जो ईयर एंड पे जो प्रॉफिट आता है वो सारे आपस में डिवाइड कर लेते हैं। यही एग्जाम्पल दी ना मैंने अभी हाउसिंग सोसाइटी के कोऑपरेटिव। दिस इज व्हाट आई हैव जस्ट गिव द एग्जाम्पल। बिल्कुल, कि वो जो ओनर्स होते हैं हाउसेस के, वो एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं, दे मेक अ कोऑपरेटिव, दे फॉर्म अ कोऑपरेटिव, एंड देन दे कलेक्टिवली पूल इन दैट कोऑपरेटिव। वो कलेक्टिवली उसमें पैसा भी पूल करते हैं, उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, और फिर जो उससे फायदा हासिल होता है वो फिर उससे बेनिफिट भी रीप करते हैं। तो कोऑपरेटिव की वेरियस टाइप्स होती हैं, लाइक अभी हमने जैसे बात की वर्कर कोऑपरेटिव की, फिर हमने बात की फार्मर कोऑपरेटिव की, फिर हमने बात की रिटेल कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो कोऑपरेटिव्स हैव वेरियस टाइप्स, कोऑपरेटिव की मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं। कोऑपरेटिव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वक्त तक सवाल आया नहीं है, बट देयर माइट बी अ क्वेश्चन ऑन कोऑपरेटिव, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, सो कोऑपरेटिव मीन्स दैट देयर आर मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दैट मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैव यू नो कंट्रीब्यूशन इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी, और फिर वो बिजनेस एक्टिविटी जितना प्रॉफिट अर्न करेगी वो आप उसको जो है वो उस कोऑपरेटिव के थ्रू आप उसका फायदा उठाएंगे। एग्जाम्पल देखें, यूके में एक कहता है बाइसिकल कोऑपरेटिव चलता है, जिसमें एक स्मॉल नंबर ऑफ बाइसिकल रिटेल आउटलेट्स हैं वो एक कोऑपरेटिव चलाते हैं। आफ्टर 1 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हर फुल टाइम एम्प्लॉय जो होता है उस रिटेल आउटलेट का, वो कोऑपरेटिव का मेंबर बन जाता है, उसका एंटाइटलमेंट मिल जाती है उसको, इसका फायदा उसको मिलता है। ठीक है ना, इसी तरह यूके के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती हैं, जिसमें आप चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स और कमर्शियल बैंक्स चलाते हैं। इंडिविजुअल्स कैन बिकम मेंबर्स ऑफ द शॉपिंग इन द सोसाइटी आउटलेट्स, वो वहाँ पे शॉपिंग करके उसके मेंबर्स बनते हैं। सोसाइटी के एनुअल प्रॉफिट में फिर मेंबर्स को उसका शेयर मिलता है। साइज ऑफ प्रॉफिट डिपेंड करता है कि सोसाइटी में उस कोऑपरेटिव ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है और उसमें इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है। कोऑपरेटिव कैन बी बोथ, अ कोऑपरेटिव कैन बी अ कमर्शियल बिजनेस और इट कैन बी अ नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस, ये डिपेंड करता है। कोऑपरेटिव दोनों हो सकते हैं, कोऑपरेटिव कैन बी अ कमर्शियल बिजनेस और इट कैन प्योरली बी अ नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस। ठीक है, कोऑपरेटिव कमर्शियल बिजनेस भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटरी इंटरनेशनल है, एक क्लब है रोटरी का, हाँ वो पैक कोऑपरेटिव, बिल्कुल ये भी इसकी एग्जाम्पल है। जैसे एक रोटरी इंटरनेशनल क्लब है दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कोऑपरेटिव, या जैसे मैंने अभी रिटेल बाइसिकल वाली जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी है दैट इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड कोऑपरेटिव, ये प्रॉफिट अर्न करता है, ये प्रॉफिट जनरेट करता है। तो कोऑपरेटिव जो है वो दोनों हो सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट कोऑपरेटिव एक दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में से पेपर के हवाले से। एक ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अपेयर इन द पेपर, और दूसरा कोऑपरेटिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर के हवाले से, क्योंकि ये वाहिद पार्ट है थर्ड चैप्टर का जो अभी तक अनटेस्टेड है। दिस पार्ट हैज नॉट येट बीन टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन, सो बी वेरी क्लियर कि इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद अब हम जंप करते हैं स्टेक होल्डर्स के ऊपर, विच वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। स्टेक होल्डर्स को आज हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, स्टेक होल्डर्स पे थोड़ी सी बहस करते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, इनका रोल क्या होता है बिजनेस के अंदर, वॉट आर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन अ बिजनेस, एंड हाउ दीज स्टेक होल्डर्स प्ले अ पिवोटल रोल।
शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नैरो है। शेयर होल्डर का मतलब ये होता है एक बंदा जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, जिसने आपके रिटर्न से अपने अपने रिटर्न्स को एफिलिएट करना है, वो आपका शेयर होल्डर है। आजकल दुनिया जो है, बल्कि आप आगे जाके जब आप फाइनल्स में जाएंगे ना, फाइनल के पेपर में, वहां पे आप पढ़ेंगे स्टेक होल्डर, ये CSR पे बात होगी जब, तो यू वुड सी कि स्टेक होल्डर्स आर द एक्चुअल कंट्रीब्यूटर्स एंड दे आर द एक्चुअल रेसिपिएंट्स ऑफ अ फर्म्स आउटपुट। अब वो दौर खत्म हो गया जब पहले हम सिर्फ शेयर होल्डर्स की बात करते थे। अब बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, बहुत सारे इस तरह के फ्रेमवर्क जो है वो स्टेक होल्डर्स पे बहस करते हैं, वो अब शेयर होल्डर पे बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट एंटिटी है, स्टेक जो मेहनत करनी है स्टेक होल्डर पे करनी है, स्टेक होल्डर इज द की टूवर्ड्स अ बिजनेस सक्सेस, स्टेक होल्डर के ऊपर सारी एफर्ट होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स होते कौन है? लेट्स फर्स्ट डिफाइन स्टेक होल्डर। हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो इंडिविजुअल, हर वो एंटिटी जिसका कोई ना कोई स्टेक हो आपके अंदर, स्टेक कहते हैं इंटरेस्ट को। हाँ, एवरी शेयर होल्डर इज अ स्टेक होल्डर, बट एवरी स्टेक होल्डर माइट नॉट बी शेयर होल्डर। एग्जैक्टली, शेयर होल्डर्स के फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं। शेयर होल्डर आर मेनली कंसर्न विद द रिटर्न्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो इंटरेस्ट है वो प्योरली फाइनेंशियल के ऊपर होते हैं। जबकि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनका इंटरेस्ट फाइनेंशियल भी होता है, नॉन फाइनेंशियल भी होता है। स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, एक इदारा हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक एंटिटी हो सकती है, कोई भी आपका स्टेक होल्डर हो सकता है। स्टेक होल्डर वो इंडिविजुअल्स या वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके आपके साथ इंटरेस्ट अलाइंड होते हैं। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी स्टेक होल्डर है, बैंक्स, इन्होंने आपको पैसा देना होता है, यू हैव टू पे देम इंटरेस्ट, तो ये भी आपके स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर्स को हम ब्रॉडली दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर आर पार्ट ऑफ द एंटिटी, जैसे आपके ओनर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। दीज आर योर इंटरनल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो हैं जो एक इदारे के बाहर फॉल करते हैं, दोज हु आर नॉट डायरेक्ट पार्ट ऑफ द एंटिटी, जो एक इदारे की बाउंड्री के बाहर होते हैं वो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। उसमें गवर्नमेंट आ जाती है, बैंक्स आ जाते हैं, उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, सप्लायर्स, कस्टमर्स, सोसाइटी, जनरल पब्लिक, ये सारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर की कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि स्टेक होल्डर इंटरेस्ट क्या होंगे। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे, इंटरनल के इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे। ऑब्वियसली एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की पावर और होगी, इंटरनल स्टेक होल्डर की पावर वेरी करेगी। सो स्टेक होल्डर इंटरेस्ट जो है वो भी वेरी करते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं। स्टेक होल्डर इंटरेस्ट होते हैं, दे आल्सो वेरी वन वे और द अदर, वो भी डिफरेंट होते हैं। तो इट प्योरली डिपेंड्स के स्टेक होल्डर जो हैं उनके इंटरेस्ट नौयत के हैं और आप उसे कैसे मैनेज करना चाह रहे हैं। कुछ स्टेक होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी अभी आगे जाकर डिस्कस करते हैं। मेंडेलो पीआई मैट्रिक्स के अंदर देर आर सम स्टेक होल्डर दोज हु आर मोर इंपॉर्टेंट, देर आर सम स्टेक होल्डर हु आर लेस इंपॉर्टेंट। कुछ स्टेक होल्डर्स का जो इन्फ्लुएंस है बिजनेस डिसीजन पे बहुत हाई होते हैं, जैसे कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स हैव वेरी हाई पावर, देयर बार्गेनिंग पावर इज द हाईएस्ट पावर, स्ट्रॉन्गेस्ट पावर यू कैन से दैट, ठीक है ना। इसी तरह सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के पास पावर नहीं होती, उनके इंटरेस्ट बहुत हाई होते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपका इदारा चल रहा होता है। सो एवरी स्टेक होल्डर इज यू नो हैविंग अ डिफरेंट रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यू नीड टू सी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर स्टेक होल्डर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू, इफ द स्टेक होल्डर इज इंपॉर्टेंट, वट यू शुड बी डूइंग टू मैनेज दैट स्टेक होल्डर, फिर आपको क्या करना है उस स्टेक होल्डर को मैनेज करने के लिए, आपकी एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए उस स्टेक होल्डर को मैनेज करने के लिए, दैट इज द की क्वेश्चन विच स्ट्राइक्स द माइंड। इंटरनल स्टेक होल्डर में कौन कौन है आपके शेयर होल्डर? प्राइमरीली आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, अदर मैनेजर्स हैं और आपके एम्प्लॉयज हैं। और ये हर स्टेक होल्डर जो है इसके अपने अपने डिफरेंट इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ लार्ज बिजनेस एंटिटी मेन शेयर होल्डर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस, बट डेफिनेटली दे आर मोर कंसर्न अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दे आर सीकिंग टू अर्न सम गुड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स जो है ये मैनेजमेंट पे छोड़ देते हैं बिजनेस के डिसीजंस को, तभी बोर्ड बनता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी फॉर्मेशन डिफरेंटली होती है, मतलब इसमें डिफरेंट वो रूल्स हैं,
एंग्लो सैक्सन प्रिंसिपल है इसके अंदर, और कवानीन है जिसके थ्रू आप बोर्ड को फॉर्मुलेट करते हैं। एम्प्लॉयज आर नॉट सो इजीली रिप्लेसेबल, ये कहना आसान है, अच्छे एम्प्लॉयज मिलना बेटा बहुत मुश्किल है। आप कह तो बड़ी इजीली देते हैं ना कि एम्प्लॉयज आर रिप्लेसेबल, एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल, बट इट्स नॉट द केस। स्किल्ड एम्प्लॉय मिलना, अच्छा एम्प्लॉय मिलना, वो इतना इजी नहीं होता रिप्लेसेबल, मतलब इतना आसानी से रिप्लेसेबल नहीं होता। सो व्हेन एम्प्लॉयज आर नॉट दैट मच इजी टू रिप्लेस, देन यू हैव टू फोकस ऑन देयर इंटरेस्ट एंड यू हैव टू बी कंसिडरेट अबाउट देयर इंटरेस्ट। फिर आपको उनके जो इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर कंसिड्रेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। आपका ह्यूमन कैपिटल जो है ना आजकल के दौर में इदारों का सबसे बड़ा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ अ फर्म कुड हैव, ह्यूमन कैपिटल। एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन कैपिटल, इसमें फर्क पता है किसी? एनीवन हु नोज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल? ये अब आपने मालूम करना है ना कि कौन डेडिकेटेड है कौन डेडिकेटेड नहीं है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जब आप हायरिंग प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं, व्हेन यू इंड्यूस द हायरिंग प्रोसेस, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमिन दैट किस तरह आपने आप ये आपके प्रोसेस ऑफ हायरिंग पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग। ह्यूमन कैपिटल जो होता है आपका, ये स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स होता है आपका, जिसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है, जिसको आपने डेवलप कर दिया हुआ है। नाउ लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा 15 साल से काम कर रहा है आपके पास, नाउ ही इज योर ह्यूमन कैपिटल, नाउ ही इज नो मोर ह्यूमन रिसोर्स, है ना। वो आपका रिसोर्स नहीं रहेगा, वो आपका कैपिटल बन चुका है। उस पर आपने 15 साल मेहनत की है, उसे आपने ट्रेन किया है, उसे आपने सिखाया है। सो दैट इज हाउ योर ह्यूमन कैपिटल इज डेवलप्ड, ठीक। बल्कि अब तो बकायदा ये रिसर्च आ रही है, मैं एक आर्टिकल अभी चंद दिन पहले मेरी नजर से गुजरा कि वो किस तरह ह्यूमन कैपिटल को बैलेंस शीट में डालें, फाइनेंशियल्स में कैसे लेके आए इस चीज को। ये आपका इंटेंजिबल एसेट है ना, बेसिकली स्किल, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स का जो स्किल है, दैट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। और इवन दो इफ इट इज डायरेक्टली मेजर्ड, इट इट कैन नॉट बी डायरेक्टली मटीरियलाइज्ड। इसे आप डायरेक्टली मटीरियलाइज नहीं कर सकते ना, इसकी जो मॉनिटरी वैल्यू वो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। सो इन ऑर्डर टू गेट इट, तो अब आजकल ये रिसर्च हो रही है कि ह्यूमन कैपिटल को किस तरह बैलेंस शीट में लेके आए। हाँ, इसमें चैलेंज ये है कि ये कंट्रोलेबल नहीं है ना। आज एक बंदा क्विट कर जाए आपकी जॉब, उससे आपके एसेट में फिर तो नहीं शो होगा। एनीवे तो इसमें भी खैर बहस हो रही है आजकल, मतलब दैट इज नॉट समथिंग विच हैज बीन सॉलिडिफाइड, अभी कंक्रीट नहीं हुआ, बट स्टिल ओके। बात कहाँ से चली थी, शेयर होल्डर से बात चल रही थी। शेयर होल्डर जो होते हैं आपके, दे आर लाइक मोर कंसर्न, दे आर लाइक दे हैव मोर इंटरेस्ट इन रिटर्न्स, ठीक है ना। तो बोर्ड इसलिए आप फॉर्मुलेट करते हैं ना कि बोर्ड में फिर आप एक सीईओ हायर करते हैं जो कि सारे डिसीजन लेता है, और उसके जो इंटरेस्ट हैं वो उस शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ अलाइंड होने चाहिए, ठीक है जी। दिस इज द प्रॉब्लम ना, कि वो इंटेंजिबल एसेट की गिनती में नहीं आता ना, वो शुमार नहीं होता उसके अंदर। शेयर होल्डर्स के कंसर्न्स कब हाई होते हैं? व्हेन दे सी फॉलिंग प्रॉफिट्स और फॉलिंग शेयर प्राइसेस, व्हेन देयर डिविडेंड पेमेंट्स आर लेसर, लोअर हो रही होती है। नॉर्मली शेयर होल्डर्स जो हैं वो इतनी कोई विलिंगली कोई बड़े बड़े मर्जर्स या टेक ओवर में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर कोई कंपनी कोई बहुत बड़ा मर्जर या टेक ओवर करने जा रही है, सो दे माइट बी कंसर्न, ठीक है ना, दे माइट बी कंसर्न। सो व्हेन शेयर होल्डर्स फील दैट देयर इंटरेस्ट आर बीइंग थ्रेटेंड, जब उन्हें लगता है कि उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है, खतरा पहुंच रहा है, तो वो फिर बोर्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं ना, बोर्ड की फॉर्मेशन जो है वो एजीएम में वोटिंग राइट्स के थ्रू होती है। फिर वो अपना डिस्प्लेयर जो है वो शो करते हैं अपने वोटिंग राइट्स से, और वो बोर्ड की फॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, डायरेक्टर्स को चेंज कर देते हैं। तो शेयर होल्डर हैव कंसिडरेबल पावर। इनफैक्ट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कंपनी लॉ जो है, मतलब वो बहुत सारी कंपनीज में कंपनी लॉ जो है वो उनको बहुत पावर देता है, स्पेशली मेजर मेजोरिटी शेयर होल्डर को। पता है ना आपको, शेयर होल्डर दो किस्म के होते हैं, मेजोरिटी होते हैं और ऑर्डिनरी होते हैं, या माइनर माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी कहते हैं, माइनर शेयर होल्डर भी कहते हैं। जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे हैव सम कंसिडरेबल पावर। छोटे मोटे शेयर होल्डर्स की इतनी पावर नहीं होती ना, उनको इतना कोई कंसर्न होता है सच डिसीजन मेकिंग से, लेकिन मेजोरिटी शेयर होल्डर हैव अ कंसिडरेबल पावर टू इन्फ्लुएंस द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
ठीक है ना। तो जब मेजोरिटी शेयर होल्डर्स की जब कंसर्न्स जो है, शेयर होल्डर का नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट कोई नहीं होता, शेयर होल्डर का वाहिद इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही होता है। शेयर होल्डर का नॉन, हाँ, स्टेक अदर स्टेक होल्डर का, जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी का होता है। सोसाइटी ने आपसे ना पैसे लेने, ना उसने आपसे कोई डिविडेंड लेना, लेकिन सोसाइटी का आप में ये इंटरेस्ट है कि आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, आप हेल्दी एनवायरमेंट प्रैक्टिसेस में एंगेज हों, वेस्टेज कम करें। तो शेयर होल्डर्स का तो मेन इंटरेस्ट ही मॉनेटरी होता है ना, पैसे की शक्ल में होता है। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी मच रिनाउंड केस। एग्जैक्टली, इनफैक्ट इनफैक्ट आगे जाके आप पढ़ेंगे कि ये बहुत सारे इदारे सिर्फ इसलिए अपनी ब्रांड रिप्यूट लूज कर देते हैं कि वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे होते। मतलब अगर आप एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो बहुत जल्दी आप जो है वो लूज कर जाएंगे अपनी रिप्यूट मार्केट में। ठीक है ना, कस्टमर माइट नॉट बी विलिंग टू परचेज योर प्रोडक्ट बिकॉज कस्टमर वुड बिलीव यू आर एक्चुअली यू नो स्पॉइलिंग द एनवायरमेंट और यू आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट। हाँ, सो दैट इज हाउ इट इट वर्क्स। सो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं इसके ऊपर, ओके बस करो यार, इसके ऊपर ये जो कॉम्पोजिशन है आपका, ये बोर्ड की कॉम्पोजिशन इन पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, और ये फिर गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। मतलब खुद डिसीजन मेकर्स नहीं होते ऑब्वियसली, मेंबर शेयर होल्डर्स आर नेवर डायरेक्ट डिसीजन मेकर्स, बट दे हैव इनफ कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। ये कभी भी जरूर होती है कि ये डिसीजंस को इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं, दे हैव अ कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। और इसी तरह ईडीज होते हैं, ईडीज आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और एनईडीज भी होते हैं, एनईडीज आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एनईडीज एक्सटर्नल होते हैं, ईडीज जो है ये इंटरनल होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर देर आर सम डायरेक्टर्स विच आर फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वेर एज एनईडीज जो है ये फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते, एनईडीज जो है ये और होते हैं, ईडीज और होते हैं। फुल टाइम एम्प्लॉयज जो होते हैं ये मैनेजमेंट की डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इनके जो इंटरेस्ट हैं वो काफी अलाइंड होते हैं शेयर होल्डर इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि इनको भी पैसे से कर्ज होता है, इनको भी चाहिए कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे, इनका भी ये कंसर्न होता है कि बिजनेस शुड शुड अर्न, क्योंकि इनके पावर, इनका स्टेटस, इनका करियर, इनकी जॉब सिक्योरिटी सारी बिजनेस की बका पे डिपेंड कर रही होती है। तो मेनली इनका भी जो कंसर्न है वो मेनली शेयर होल्डर के कंसर्न के साथ अलाइंड ही होते हैं। दे हैव सम कॉमन इंटरेस्ट विद द शेयर होल्डर्स, इनके इंटरेस्ट शेयर होल्डर के इंटरेस्ट बड़े कॉमन होते हैं। ठीक है ना, इन्होंने अपनी सैलरीज लेनी है, इनको रेम्यूनरेशन चाहिए, इन्हें पेंशन चाहिए, इनका पावर एंड स्टेटस का कंसर्न होता है, इनके करियर प्रोस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, ये सारे इनके कंसर्न होते हैं। तो ईडीज और सीनियर मैनेजर जो होते हैं ये चाहते हैं कि कंपनी साइज में ग्रो करे, लार्ज कंपनी बने, क्योंकि जब इदारा ग्रो करेगा इनकी रेम्यूनरेशन बेहतर होंगी, पावर स्टेटस बेहतर होगा, करियर प्रोस्पेक्ट्स बेहतर होंगे। ठीक है ना, इनकी जो करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं दैट दैट वुड बी मच बेटर। सो दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव मोर इंटरेस्ट, स्पेशली सीनियर डायरेक्टर्स हैव मोर इंटरेस्ट। इसी तरह एम्प्लॉयज हैं और अदर मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज के और अदर मैनेजर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो इनसे स्लाइटली वेरी करते हैं, इनसे थोड़ा सा वेरी करते हैं। लाइक रेम्यूनरेशन, इनका इंटरेस्ट भी है, इनका इंटरेस्ट भी पे है। हाँ, इनका एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट है वर्किंग कंडीशंस, ये चाहते हैं इन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, ये चाहते हैं कि इनका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है काम का वो थोड़ा सा बेहतर हो। फिर जॉब सिक्योरिटी, ये इनका इंटरेस्ट भी है, इनका इंटरेस्ट भी है। जॉब सेटिस्फेक्शन, तो लोअर लेवल पीपल जो होते हैं उनके जो इंटरेस्ट है वो थोड़े और वेरी करते हैं, दे वेरी अ बिट मोर, ठीक है, एज कम्पेयर टू सीनियर मैनेजर्स। लेकिन फिर भी वन वे और द अदर इन तीनों इंटरनल स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं अलाइंड ही है, दे आर अलाइंड इन टर्म्स ऑफ के बिजनेस स्टे करेगा, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा, तो ये तीनों स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। बिजनेस अगर आपका सस्टेन कर रहा है, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, तो एम्प्लॉयज को भी फायदा पहुंचेगा, सीनियर मैनेजर्स भी फायदा उठाएंगे, अल्टीमेटली शेयर होल्डर भी फायदा उठाएंगे। तो यस, वी कैन से दैट कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर मोर कंसर्न अबाउट फाइनेंशियल रिटर्न्स ऑफ द कंपनी, ये हम प्रिसाइजली कह सकते हैं।
इंटरनल स्टेक होल्डर जो है वो ज्यादा कंसर्न होते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, दे हैव मोर इंटरेस्ट इन द रिटर्न्स ऑफ द कंपनी, दे माइट बी मोर इंटरेस्टेड के इदारा प्रॉफिटेबिलिटी में कितना अर्न कर रहा है, क्योंकि तीनों किस्म के जो स्टेक होल्डर इंटरनल हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं या आपके एम्प्लॉयज हैं, इन तीनों की जो सर्वाइवल है, इन तीनों की जो बका है वो इदारे के फाइनेंशियल रिटर्न्स पे काफी हद तक डिपेंड कर रही होती है। इदारा अगर लॉस बेयर कर रहा होगा तो आप डायरेक्टर्स को सैलरीज कम देंगे, आप उनके पर्क्स कम कर देंगे, गाड़ियां ले लेंगे उनसे, एम्प्लॉयज आके आप सैलरी काट लेंगे, एम्प्लॉयज को आप कम पे फोर्स करेंगे काम करने के, शेयर होल्डर्स के डिविडेंड कम हो जाएंगे। तो बेसिकली तीनों के तीनों इंटरनल स्टेक होल्डर्स वन वे और द अदर आर मेजरली कंसर्न अबाउट द रिटर्न्स, आर मेजरली कंसर्न अबाउट व्हाट दे आर गेनिंग, उनको मिल गया रहा है इदारे से। इसके बरक्स जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट एंटायरली वेरी करते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट सिर्फ मॉनिटरी नहीं होते, नॉन मॉनिटरी भी होते हैं। कस्टमर को यह गर्ज नहीं है कि आपका इदारा प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, कस्टमर को यह गर्ज है कि उसे प्रोडक्ट टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कस्टमर को यह गर्ज है कि उसे वैल्यू फॉर मनी मिल रही है कि नहीं मिल रही, कस्टमर को यह इंटरेस्ट है कि जो उसे आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो कोई डिसऑनेस्टी से या कोई मिसलीडिंग मार्केटिंग से नहीं बेचा जा रहा, उसमें उसमें सदाकत मौजूद है, उसके अंदर ऑनेस्टी मौजूद है। सप्लायर, हाँ सप्लायर का इंटरेस्ट माइट बी पॉसिबल कि सप्लायर का इंटरेस्ट हो सकता है आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर, क्योंकि सप्लायर ने आपको गुड्स बेचने हैं क्रेडिट पे, तो सप्लायर माइट बी इंटरेस्टेड दैट हाउ मच आर यू परफॉर्मिंग। हाँ कस्टमर का इंटरेस्ट आफ्टर सेल सर्विस भी होता है बिल्कुल। यस यू कैन से दैट कि सप्लायर माइट बी इंटरेस्टेड इन योर प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज आपके रिटर्न से सप्लायर को अंदाजा हो पाएगा कि सप्लायर को कितनी जल्दी आप रिटर्न करेंगे उसकी ओन्ड मनी जो है, जो पैसा ओन करता है। ठीक है, गवर्नमेंट माइट ऑल्सो भी इंटरेस्टेड इन योर फाइनेंशियल बिकॉज गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है आपसे, गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है आपसे, तो गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट हो सकता है आपके फाइनेंशियल के अंदर, बैंक का भी इंटरेस्ट हो सकता है आपके फाइनेंशियल के अंदर, बैंक ने आपको लोन देना है तो बैंक माइट भी इंटरेस्टेड कि आपका बिजनेस कितना फाइनेंशियली सिक्योर है कि आप टाइम पे बैंक को लोन वापस करेंगे, आप उसे इंटरेस्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होता आपके फाइनेंशियल में, जनरल पब्लिक इज लीस्ट वॉरिड कि आप क्या कमा रहे हैं, जनरल पब्लिक का वाहिद इंटरेस्ट ये है कि आप क्या एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आप एनवायरमेंट को संभाले हुए हैं, क्या आपकी एनवायरमेंट जो है वो सिक्योर है। इसी तरह एनईडीज है, एनईडीज का भी ये इंटरेस्ट नहीं होता कतई कि बिजनेस प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, एनईडी का ये इंटरेस्ट होता है कि क्या आपके अदर स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है वो प्रिजर्व्ड है, क्या बिजनेस अपने जाति मफाद को अदर स्टेक होल्डर के मफाद पे फोकियत तो नहीं दे रहा, उसे इंपॉर्टेंस तो नहीं दे रहा। सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, लोकल कम्युनिटीज, जनरल पब्लिक, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एनईडीज जिन्हें कहते हैं। सो वी हैव अ रेंज ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स दैट प्ले अ वेरी पिवोटल रोल फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। एनी क्वेश्चन सो फार, यहाँ तक कोई सवाल जहन में, यहाँ तक कोई क्लैरिटी चाहिए? हाँ इंटरेस्ट इज मोर लाइक टेंशन, ऑब्वियसली ऑब्वियसली इंटरेस्ट से मुराद ये है कि आपका उसमें डायरेक्ट स्टेक कितना इन्वॉल्व है, हाउ मच डायरेक्ट स्टेक इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, आपका उसमें डायरेक्ट स्टेक जो है वो कितना इन्वॉल्व। गेटिंग द पॉइंट? और एनीथिंग एल्स? चले अभी लेट्स, टॉपिक थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया, यहीं से इंशाल्लाह फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के ऊपर। वी स्टिल हैव 10 मिनट्स, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन, एनीथिंग? मतलब क्लास में मैं देखता हूँ मेरे पास इस वक्त लाइक 21 पीपल आर हियर, बट वेरी फ्यू ऑफ यू एक्चुअली यू नो एक्टिवली पार्टिसिपेट। मैं अगर सबके नाम हूँ इस वक्त तो मेरे पास अब्दुल माजिद है इस वक्त शो हो रहे हैं, अब्दुल रहमान है, अली हसन है, अनीसा, हसनैन, असलम है, एहसान है, फौजिया है, लारेब, लियाकत अली चौधरी, मनाहिल अंजुम, मरियम मकसूद, एहसन अशफाक, मोहम्मद फहीम, शौकत, नवीरा, सदफ बतूल, सनारूज, ताहिर, शरोज, असद अब्बास एंड तलहा खान। इस पर निशा बात करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट पे आएंगे अभी आगे।
पहले हम स्टेक होल्डर इंटरेस्ट और पावर पर बात करेंगे, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बड़ा एविडेंट फिनोमेना है, दैट्स वेरी एविडेंट कि जब भी स्टेक होल्डर्स किसी जगह पे होते हैं तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता ही होता है। विल टॉक अबाउट इट टुमारो इंशाल्लाह। जी सो मेरे पास इसको माशाल्लाह 21 नाम शो हो रहे हैं, और इन 21 नामों में इफ आई जस्ट टेल यू कि मेरी इंटरेक्शन ज्यादा किनसे होती है, उसमें अनीसा है, असलम है, एहसान है, समटाइम्स लारेब है, लियाकत है, एहसन अशफाक इज क्वाइट एक्टिव, शरोज भी कभी कभी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, अली हसन भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं, असद अब्बास समटाइम यस समटाइम्स, बाकी कुछ जो बिल्कुल खामोश रूहें मेरे पास मौजूद हैं, ऑब्वियसली फिजिकली तो आप लोग नहीं हैं, आई हैव वर्चुअल ऑफ यू, बिल्कुल खामोश रूहें हैं उसमें मनाहिल रेयरली कॉन्ट्रीब्यूट्स, मरियम मकसूद को मैंने नहीं देखा कभी भी बात करते हुए, नवीरा इज अ साइलेंट लिसनर, सदफ बतूर इज ऑल्सो साइलेंट लिसनर, अरूज इज ऑल्सो साइलेंट लिसनर, तला खान का भी एक और शायद कमेंट आया हो तला का, यार बोला करें यार कंट्रीब्यूट किया करें, दिस दिस वर्चुअल लर्निंग डजंट मीन कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, दिस वर्चुअल लर्निंग मीन्स कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, बल्कि अगर आपको लगे कि चैट बॉक्स इनसफिशिएंट है आपकी बात को मुझ तक पहुंचाने के लिए, तो यू कैन जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली टॉक टू मी, ठीक है ना, ताकि बाकी लोग भी सुने आपको कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर टाइम्स होता है कि क्वेश्चन देन में आ रहा है लेकिन अब आप कहते हैं यार कौन टाइप करे, या फिर आपको वो वर्ड्स नहीं मिल रहे होते जिससे आप वो क्वेश्चन टाइप करें, यू माइट नॉट बी एबल टू गेट दोज वर्ड्स, आ रही बात है ना, तो अगर इस तरह की कभी सिचुएशन में आ जाए सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ, अपने आप को यहाँ से अनम्यूट करें, मुझे कह दें मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, और बल्कि इस वक्त मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया हुआ, सारे अपने अपने एंड पे खुद म्यूट किया हुआ है अपने अपने आप को, तो जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ, पुट योर क्वेश्चन, आस्क समथिंग व्हाट एवर यू लाइक, बाकी लोग भी उससे मुस्तफीद होंगे, ठीक है ना, एग्जैक्टली दैट्स वाई वी गेट वेरी इजिली डिस्ट्रैक्टेड, देखें ना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एंगेज रखूँ डिस्कशन के अंदर, एक तो वैसे ही हमारे सब्जेक्ट की नौीयत ऐसी है, एंड दैट सब्जेक्ट इज ओनली थेरी, थेरी को सुन सुन के भी हमारा जो वो दिमाग है वो पक जाता है एक पॉइंट पे आके, ठीक है, ऐसा ना आज हमने मेनली थर्ड चैप्टर से स्टार्ट किया, नंबर वन हमने थर्ड चैप्टर में ब्रॉडली डिस्कस किया कि हमने पांच एरियाज कवर करने, पहला एरिया हमारा जो है वो नेचर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा एरिया हमारा स्टेक होल्डर है, तीसरा एरिया हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, चौथा एरिया हमारा इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स हैं, और पांचवा एरिया इसमें हमारा कॉन्टिजेंसी थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये पांच एरिया है। इसमें हमने आज पहला एरिया तो कम्प्लीटली डिस्कस किया है सो फार, आई इंट्रोड्यूस यू टू मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट, दो मैंने आपको मेन टाइप इंट्रोड्यूस कराई है, बिजनेस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट में आगे फर्दर मैंने दो टाइप्स को डिस्कस किया है, एनजीओज एंड गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने डिस्कस किया डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या होते हैं इदारे के, हाउ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएट करती हैं चार इंपॉर्टेंट एरियाज पे, पर्पज में, ओनरशिप में, फंडिंग और अकाउंटेबिलिटी में, एंड देन वी डिस्कस अनदर टाइप एंड दैट वाज कोऑपरेटिव्स, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ये मेट्रो ट्रेन ले लो यार, मेट्रो बस सिस्टम जो है दैट इज अ पब्लिक सेक्टर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, गवर्नमेंट चला रही है ना, मेट्रो बस सिस्टम जो है दैट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, और ये पब्लिक सेक्टर भी है PIA दैट इज पब्लिक सेक्टर एंटिटी नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, ठीक है, सो पब्लिक सेक्टर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज जो होती हैं आपकी वो बिजनेस गवर्नमेंट देख रही होती है, गवर्नमेंट इज एक्चुअली हैंडलिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ दैट बिजनेस, गवर्नमेंट उसको टेक केयर कर रही होती है, मेरी आवाज आ रही है आप सबको, कैन यू हियर मी ऑल, ओके ग्रेट, तो उसको गवर्नमेंट देख रही होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव्स जो हैं ये मेंबर, दे आर नोन एज मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स के मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स क्या करते हैं, वो उस कोऑपरेटिव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कोऑपरेटिव जो प्रॉफिट अर्न करती है सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, फार्मर्स कोऑपरेटिव होते हैं, रिटेल कोऑपरेटिव्स होते हैं, वर्कर्स कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है ना, सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स पे क्वेश्चन पेपर में आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एंड देन वी डिस्कस स्टेक होल्डर्स, हमने डिफाइन किया स्टेक होल्डर को, डेफिनेशन देखी, हमने कहा दो किस्म के होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल के आगे फर्दर तीन कैटेगरीज होती हैं,
और हमने ये इसमें से डिस्कस किया कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं इनके इंटरेस्ट काफी हद तक अलाइंड होते हैं, शेयर होल्डर्स, सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स एंड जूनियर मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज। इन तीनों स्टेक होल्डर ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट हैं वो काफी हद तक अलाइंड होते हैं, वो काफी हद तक अलाइंड होते हैं। शेयर होल्डर्स को भी पैसा चाहिए, एम्प्लॉयज को भी पैसा चाहिए, सीनियर मैनेजर्स को भी पैसा चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं आपके, इनका जो प्राइम इंटरेस्ट होता है वो फाइनेंशियल रिटर्न्स ही होता है कि अगर एक बिजनेस फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म करेगा तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स को रिटर्न्स अच्छे जाएंगे, दे वुड अल्टीमेटली बी सेटिस्फाइड। फिर हमने कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को डिस्कस किया, सिर्फ नाम की हद तक देखें। अभी हमने लेंडर्स में बैंक्स आ जाते हैं, वो इंस्टीट्यूट जो आपको पैसा देते हैं वहाँ पे लेंडर्स होते हैं। एट टाइम सप्लायर भी आपका लेंडर होता है, अगर सप्लायर आपको ऑन क्रेडिट बेच रहा है तो सप्लायर भी आपका लेंडर कहलाएगा। सप्लायर इज सेलिंग समथिंग ऑन क्रेडिट तो सप्लायर इज ऑल्सो अ लेंडर, ठीक है। सो ये हमने कल, हम इंशाल्लाह थोरली डिस्कस करेंगे सारे स्टेक होल्डर को। कल हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को रिव्यू करेंगे थॉरली, और कल हम इंशाल्लाह स्टेक होल्डर पावर पे बात करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेंडेलो पीआई मैट्रिक्स को, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? ग्रेट, बस साथ साथ रिवीजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब जो जो टॉपिक्स हमारे आगे मूव कर रहे हैं अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। जो जो हमारे टॉपिक्स अब आगे जा रहे हैं ना सब्जेक्ट में, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है कि उतना कंटेंट पीछे पाइल अप हो रहा है रिवीजन के लिए। और देखना, हमने पहले दो चैप्टर थॉरली पढ़ ली है, अब वो उन दो चैप्टर पे हमने रिविजिट शायद सम टर्म के एंड में ही करें, जब रिवीजन मैं कराऊंगा, एक वन डे और टू डे रिवीजन कराऊंगा आपको उस, अदरवाइज हम सेकंड चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ने लगे। तो डोंट जस्ट गेट कॉट विक्टम ऑफ दिस थिंग कि जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सारी समझ आ रही है, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन जब एक चैप्टर ओवर हो गया तो उसे फिर आपस से पुश डाल देते हैं और फिर कहते हैं अच्छा जब पेपर आएंगे तब देखेंगे। तो जब पेपर आएंगे तब देखेंगे, तब तक सब कुछ भूल चुका होगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो रिविजन एंड यू नो कॉन्स्टेंट चीजों को रिवाइज करना ये साथ साथ इम्पॉर्टेंट है। सो टेक दिस एज अ फूड फॉर थॉट, और ये रिविजन्स जो हैं इनको जरा प्रॉपरली मैनेज करें, रिविजन करें टॉपिक्स के साथ साथ, ताकि आप उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। यस, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, इट इज, तभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। शरोज, क्या क्वेश्चन पूछा आपने, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? देखिए, मैंने इसलिए आपको वो एक टिप बताई हुई है, 1+1 फॉर्मूला दिया हुआ है कि 1 घंटा आप रिवीजन को दें, जो आज टॉपिक पढ़ा वो रिवाइज करें, जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको उसको रिवाइज करें, 1 घंटा बहुत होता है आपका पर सब्जेक्ट। 1 एडिशनल आवर आफ्टर द क्लास इज फेयर इनफ, क्लास के अलावा 1 घंटा देना बहुत है आपके लिए, अपनी रिवीजन को इंश्योर करने के लिए, तैयारी को बेहतर करने के लिए। नहीं, 1 to 2 day रिवीजन बेटा, पूरी बुक का, नॉट पर चैप्टर, फंक्शन हो गया, इतना टाइम ही नहीं होना। 2 दिन में पूरी बुक का रिकैप करेंगे टर्म को क्लोज करके, मतलब ऑब्वियस ही बात है हमारे पास 20 दिन तो नहीं होंगे ना कि हम 11 चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करें। हाँ, 2 दिन में एक बर्ड आई व्यू पे रिवाइज कराऊंगा, वो हम टर्म के एंड पे करते होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर उसमें कोई आपके ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसे 3-4 दिन तक भी लेके जा सकते हैं। मतलब रिव्यूज मैं करवाता होता हूँ अच्छी, और उसमें मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स भी दे दिया करता हूँ स्टूडेंट्स को कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, किस एरिया में एग्जामिनर ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगा, सब कुछ इंशाल्लाह हम सब्जेक्ट को, कंटेंट को कवर करने के बाद करेंगे। तो आपसे मेरी अब ये एक्सपेक्टेशन है कि आप अब जरा साथ साथ मेहनत शुरू कर दें। इट्स बिन लाइक अ मंथ नाउ, महीना हो गया पूरा। तो इट्स बीन लाइक अ मंथ नाउ, तो अब इस 1 महीने में अब आपको चाहिए कि आप जरा रिवीजन अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। बिकॉज 3 महीने रह गए हमारी टर्म क्लोज होने में, 31st of January इज द लास्ट डे ऑफ आर क्लासेस, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, पूरे 3 महीने। और अब यकीन करें, आज की डेट नोट कर लें, आज 29 अक्टूबर हो गई है, 3 महीने गुजरने का पता भी नहीं लगना आपको।
आप आंखें बंद करके खोलेंगे और 31 जनवरी आ चुका होगा। दैट इज समथिंग विच आई कैन अश्योर यू राइट नाउ। टाइम बड़ी जल्दी गुजरता है उस्ताद, टाइम फ्लाइज, वक्त को पर लगे हुए और वक्त उड़ता है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू नॉट लेट द टाइम फ्लाई, होल्ड इट एज मच एज यू कैन। ठीक है जी, चल लेट्स। अच्छा, फुल चैप्टर वाइज टेस्ट अभी इस वीक में सेकंड चैप्टर के सेकंड हाफ का टेस्ट होगा। हमने सेकंड चैप्टर फर्स्ट हाफ किया था लास्ट वीक वेंसडे, और कहाँ तक किया था? माइक्रो इकोनॉमिक तक किया था ना, जहाँ तक मुझे याद है, माइक्रो इकोनॉमिक तक किया था ना। तो फिर इस तरह करते हैं, चलें आपकी थोड़ी सहूलत हो जाएगी। जो नहीं, मैक्रो तक किया था, मगर माइक्रो ने हमने नहीं किया था, मैक्रो तक किया था। हाँ, माइक्रो होना है अभी, तो माइक्रो से लेकर सॉरी, माइक्रो से लेकर पेस्टल एंड तक ये एक टेस्ट कर लेते हैं, लाइक पेज नंबर 64 तक। ठीक है, दो टेस्ट में डिवाइड कर लेते हैं ना। ठीक है, लेट्स डिवाइड इट इन टू टेस्ट, आपके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। माइक्रो से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 51 से, एंड वी विल एंड इट ऑन 64। ये टेस्ट आपका स्केड्यूल्ड है परसों वेंसडे को, ये नोट कर लें डेट। ये टेस्ट आपका 64 पेज नंबर तक, ये वेंसडे को है, परसों दैट इज 31st। ठीक है, तो ये टेस्ट आपका वेंसडे को है। ठीक, उसके बाद कंपेटिटिव फैक्टर्स है, ये वाला पोर्शन है। चार मॉडल्स हैं, स्वॉट, स्ट्रेटेजी, वैल्यू चेन एंड फाइव फोर्सेस। ये चारों मॉडल हम एक टेस्ट में करेंगे, और ये टेस्ट हम करेंगे वीकेंड पे, लाइक ऑन सैटरडे। तो इस हफ्ते में दो टेस्ट हैं आपके, एक वेंसडे को और एक सैटरडे को। वेंसडे को पेस्टल तक, एंड आफ्टर वर्ड्स फिर उसमें जो आपका होगा वो फिर कंपेरेटिव फोर्सेस का हो जाएगा। ठीक है, दैट वुड बी फाइन आई गेस। ठीक है, चलें, ग्रेट, लेट्स कॉल ऑफ। ठीक है, सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।